करंट इकोनॉमिक्स यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर रक्षिता। डेली करंट अफेयर सीरीज के पार्ट 9 को लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज की जो हमारी मेन न्यूज रहेंगी, जो हमारी आज की मेन हाइलाइट्स रहेंगी, उनमें पहला रहेगा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। उसके बाद हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC के बारे में बात करेंगे कि NHRC ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या एडवाइजरी जारी करने को कहा है। उसके बाद हम NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में बात करेंगे कि UP और MP में NSA के आधार पर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो ये है क्या। उसके बाद हम नेशनल पोलियो सर्विलेंस नेटवर्क फॉर COVID-19 के बारे में भी बात करेंगे, जिसके लिए WHO ने भारत की बहुत सराहना की है। उसके बाद 16 अप्रैल को हुए खरीफ फसलों पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 की भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हमेशा की तरह इस सीरीज में जो मैपिंग का क्वेश्चन डिस्कस किया जाता है, उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप हमारे चैनल को बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद कर रहे हैं। आप लगातार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप जो है इस वीडियो में, करंट अफेयर्स की सीरीज में जो भी क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाते हैं, क्वेश्चंस में आप रेगुलरली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो बहुत मेहनत के साथ सभी जो प्रश्नों को हल करते हैं और काफ़ी हद तक उनका जवाब भी सही देते हैं। आप इसी प्रकार हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और हाँ, हमारे चैनल पर जो वीडियोस रेगुलरली दिखाई जाते हैं, उनके ऊपर रेगुलरली क्वेश्चन जो हैं वो करंट इकोनॉमिक्स जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आप अपनी परीक्षा की तैयारी को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल करंट इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ पर कि आप क्वेश्चंस की जो PDF है वो प्राप्त कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ इन क्वेश्चंस का जो जवाब है YouTube के नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब भी आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कराना है। बाकी का कल जो हम अपनी वीडियो लेके आएंगे, उस वीडियो में इस क्वेश्चन को अच्छे से जो इसका आंसर हम आपको बताएंगे। तो ये आज आपका काम है कि आप जो इस क्वेश्चन का आंसर हमें YouTube के कमेंट सेक्शन में जरूर प्रोवाइड कराएं। आपके पास कल तक का टाइम है। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को लेकर कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, दोबारा सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट है, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1993। ऑप्शन बी है, इन द केसेस ऑफ ह्यूमन राइट वायोलेशन द कमीशन हैज नो राइट टू पनिश द कल्प्रिट। हमारा ऑप्शन सी है, द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ दिस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा ऑप्शन है, द कमीशन सेंड्स इट्स एनुअल रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो विकल्प है, कौन सा जो ऑप्शन है वो सही नहीं है, और उसका जवाब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में नीचे देना है। हमारी पहली न्यूज है STPI यानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया को लेकर। ये वर्तमान में चर्चा में है क्योंकि COVID-19 के कारण पहले देश में 21 दिन का लॉकडाउन लगा और अब लॉकडाउन 2.0 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसी स्थिति में हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगातार ये प्रयास कर रही है कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके और जो संबंधित संस्थाएं हैं उनको कम से कम हानि उठानी पड़े। इसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो अभी नारा है वो जान भी और जहान भी, इसी को ध्यान में रखकर जो ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है उनके किराए में 4 महीने की छूट दी गई है, जिससे लगभग 5 करोड़ रुपए का जो फायदा है वो इनसे संबंधित संस्थाओं को होगा। ये 4 महीने की छूट जो है वो मार्च से जून तक जारी रहेगी। हालांकि इस जो पूरा एक न्यूज है, यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्वेश्चन बन सकता है कि STPI का मुख्य कार्य क्या होता है, या STPI जो स्थापित की गई है उनका मुख्य उद्देश्य क्या है। इनका मुख्य उद्देश्य है कि ये सॉफ्टवेयर को जो है, जो सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट को प्रमोट करें। यानी STPI को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य सरकार का यही है कि भारत
सॉफ्टवेयर का अधिक से अधिक निर्माण करें और उनका अधिक से अधिक जो है वो निर्यात करें, और इसी तरीके से निर्यात को जो है वो बढ़ावा दिया जा सके, इसी के लिए बहुत सारी जो रियायतें हैं वो STPI के तहत दी जाती हैं। हमें पता है कि सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो ऐसे प्रोग्राम्स का समूह होता है जो कि किसी भी कंप्यूटर में विशेष कार्य करने के लिए डाले जाते हैं, और कहा जाता है कि कंप्यूटर बिना सॉफ्टवेयर के नजीब होता है। ऐसी स्थिति में जब पूरी दुनिया जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ आगे बढ़ रही है, उस स्थिति में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। IT टेक्नोलॉजी को जो है वो प्रोत्साहित करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी को ध्यान में रखकर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कदम उठाया है। STPI है क्या? STPI जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक स्वायत्त शासित सोसाइटी है जिसकी स्थापना 1991 में की गई, जब हमारे देश में जो है LPG का यानी लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटलाइजेशन का आगाज हुआ। इसका जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में है, और वर्तमान में लगभग 60 के आसपास इसके केंद्र हैं, सेंटर हैं, जो कि ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहे हैं, जैसे कि बेंगलुरु जो है वो बहुत बड़ा हब है इसका, इसके अलावा बॉम्बे है। तो ये जितनी भी IITs कंपनी है ये सारी जो है वो STPI के अंतर्गत आती हैं। वर्तमान में ज़्यादातर जो STPI हैं उनमें माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं या फिर स्टार्टअप्स हैं। तो उस स्थिति में जब ये जो MSME हैं और स्टार्टअप्स हैं वो अपने अस्तित्व को बनाए रख सकें और जो है वो इस प्रौद्योगिकी में जो है वो कम से कम हानि उठाएं और इस प्रौद्योगिकी को आगे लेकर जाएं, इसी को ध्यान में रखकर जो है ये कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है। उसके बाद जो हमारी अगली न्यूज है वो है NHRC को लेकर, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को लेकर। ये वर्तमान में चर्चा में है क्योंकि NHRC के पास लगातार इस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं कि लॉकडाउन के दौरान कई क्षेत्रों में पब्लिक सर्वेंट्स के द्वारा या जो पुलिस पर्सोनल्स हैं, कर्मचारी हैं, उनके द्वारा जो है वो एक उचित व्यवहार जो है वो पब्लिक के साथ नहीं किया जा रहा है, या अपने जो अधिकार हैं उनका गलत उपयोग किया जा रहा है, जिसके तहत जो है वो ह्यूमन राइट वॉयलेशन की जो शिकायत है लगातार NHRC को मिल रही है। तो NHRC ने सेंटर से कहा है कि सेंटर जो है वो एक एडवाइजरी जारी करे स्टेट के लिए और UTs के लिए कि वहाँ के जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो अच्छे से बिहेव करें लॉकडाउन पीरियड के दौरान अपनी जनता के साथ। अब हम देखते हैं कि NHRC है वो होता क्या है। एक्चुअली NHRC जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के आधार पर जो है वो 12 अक्टूबर 1993 को स्टैब्लिश किया गया। यानी ये एक स्टैट्यूटरी पब्लिक बॉडी है, एक वैधानिक संस्था है, ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है। यानी संविधान में जो है वो इस कमीशन का कहीं भी उल्लेख नहीं है। ये एक अधिनियम के द्वारा बनाई गई जो है एक बॉडी है, एक संस्था है। इसके जो वर्तमान में चेयरमैन है वो जस्टिस HL दत्तू हैं। ये मुख्यतः काम क्या करती है? एक्चुअली NHRC का मुख्य काम यही है कि वो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करे, चाहे वो राइट टू लाइफ हो, राइट टू लिबर्टी हो, राइट टू इक्वालिटी हो, राइट टू डिग्निटी हो। हमारे भारत का जो संविधान है, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, लिबर्टी इत्यादि हैं। तो यहाँ पर हमें पता है कि इन्हीं ह्यूमन राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पूरे देश में एक जो संस्था काम कर रही है वो है NHRC। तो NHRC जो है वो प्रोएक्टिवली ये देखती है कि कहीं भी ह्यूमन राइट का वॉयलेशन जो है पब्लिक सर्वेंट के द्वारा तो नहीं किया जा रहा। इसके साथ साथ जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं जो कि ह्यूमन राइट से रिलेटेड हैं, उनका एग्जीक्यूशन देश में अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको भी ये देखती है। इसके साथ साथ कोर्ट्स में यदि ह्यूमन राइट्स को लेकर कोई भी केस है तो उनमें भी इंटरवेंशन जो है NHRC कर सकती है। इसके साथ साथ NGOs जो कि ह्यूमन राइट के लिए काम कर रहे हैं, जो ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि ह्यूमन राइट के लिए काम करें, उनको भी उनकी ग्रांटिंग की व्यवस्था भी जो है NHRC के द्वारा की जाती है। इसके साथ साथ
ह्यूमन राइट एजुकेशन को लेकर अवेयरनेस फैलाने का काम जो है वो भी एनएचआरसी करती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ओवरऑल पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में ह्यूमन राइट्स को लेकर कहीं भी वॉल्यूशन होता है, चाहे वो पब्लिक सर्वेंट के द्वारा होता है, जिसमें अब की बार पुलिस पर्सोनल को भी शामिल किया गया उनके द्वारा होता है, तो उसके लिए जो महत्वपूर्ण कदम जो है एनएचआरसी उठा सकती है। इसका जो मुख्यालय है, या कहते हैं इसका जो ऑफिस है, वो नहीं दिल्ली में है। तो नेशनल लेवल पर तो एनएचआरसी काम करती है, वहीं स्टेट लेवल पर जो है वो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन काम करता है। हालांकि हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में जो SHRC है, यानी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, उसकी जो स्थापना है वो इसी एक्ट के थ्रू, यानी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के अनुसार ही 18 जनवरी 1999 को की गई। और इसका जो ऑफिस है वो जयपुर में है, और वर्तमान में जो इसके चेयरमैन है, यानी राजस्थान SHRC के जो चेयरमैन है, वो जस्टिस प्रकाश टाटिया है। आइए अब हम आते हैं अपने अगले न्यूज के ऊपर, लेकिन उससे पहले जो NHRC है उसमें से क्वेश्चन, चाहे बड़े एग्जाम हो चाहे छोटे एग्जाम हो, उनमें से पूछ लिए जाते हैं। हालांकि अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि हम देख सके कि वर्तमान में ये चर्चा में क्यों है, और इसका जो संक्षिप्त परिचय है वो क्या है, उसके ऊपर भी हमने यहाँ पर देखा। अब हम अगले न्यूज के ऊपर आते हैं। हमारी अगली न्यूज है NSA, यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, जिसका वर्तमान स्वरूप हमें 1980 से देखने को मिलता है। ये वर्तमान में चर्चा में है क्योंकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में NSA कानून के तहत कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि COVID-19 के चलते, लॉकडाउन के चलते कुछ लोगों ने मेडिकल स्टाफ के साथ, नर्सेस के साथ, डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार किया। वहीं दूसरी ओर पुलिस जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर भी पत्थरबाजी, लठबाजी की गई, जिसके लिए जो है वो NSA कानून लगाकर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब हम देखते हैं कि NSA है क्या। NSA एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, जिसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को भविष्य में अपराध करने की शंका को देखकर हिरासत में ले लेना, यदि अर्थात किसी व्यक्ति ने अभी कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं किया है लेकिन भविष्य में वो कोई बहुत बड़ा अपराध कर सकता है, उस शंका के आधार पर लोगों को हिरासत में ले लेना, व्यक्ति को हिरासत में ले लेना, यही होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में। तो NSA क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि NSA जो है वो क्या है। NSA एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ होता है। यहाँ पर जो ये NSA है वो केंद्र को और राज्य, यानी दोनों को, ना ये NSA केवल केंद्र को नहीं राज्य को, दोनों को ये अधिकार देता है कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा को हानि पहुंचाता है, यानी कोई ऐसा काम करता है जो कि देश की सुरक्षा को हानि पहुंचाए, चाहे वो जासूसी का हो या किसी भी चीज का, इसके अलावा यदि वो जो सार्वजनिक व्यवस्था है, सरकार की व्यवस्था को बाधित करने का काम करता है, या फिर जो भी महत्वपूर्ण वस्तुएं और सेवाएं हैं उनकी आपूर्ति को भी बाधित करने का कार्य करे, तो NSA के तहत उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जो है वो मैक्सिमम 12 महीने तक के लिए जो है वो हिरासत में रखा जा सकता है। और एक्सेप्शन हैं, यदि मान लो कि कोई ऐसे सबूत हमें मिल जाते हैं तो इस गिरफ्तारी को 12 महीने से भी अधिक के लिए बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर यदि हम CRPC के सेक्शन 50 की बात करें, CRPC का सेक्शन 50 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो गिरफ्तार किया जाता है उसको उसकी गिरफ्तारी का कारण बताना आवश्यक है, लेकिन NSA में ऐसा नहीं है। NSA के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो 5 दिन तक उसे हिरासत में रखा जा सकता है, और इसके लिए उसको कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती। वही दूसरी ओर आर्टिकल 22(1) ये कहता है कि हमारे मतलब भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उसमें जो फंडामेंटल मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसके अंतर्गत जो आर्टिकल 22(1) आता है वो जो है वो लोगों को ये मौलिक अधिकार देता है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे वकील से परामर्श लेने का मौलिक अधिकार है। लेकिन NSA यहाँ पर एक्सेप्शन है, NSA में ऐसा नहीं है, यानी यदि किसी व्यक्ति को NSA के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है तो उसे वकील से परामर्श लेने
का कोई मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होता। वही दूसरी ओर सीआरपीसी के सेक्शन 56 और 76 की यदि हम बात करें तो इसके अंतर्गत जो है व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है तो इसमें यह कहा गया है कि उसको 24 घंटे के भीतर जो है वो कोर्ट में पेश करना होगा। लेकिन एनएसए में ऐसा नहीं है कि उसको जो है वो 24 घंटे के भीतर जो है वो कोर्ट में पेश करना ही पड़े। तो हमने देखा कि जो एनएसए है वो कई मामलों में जो नॉर्मल कानून है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उनसे अलग है। इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि एनएसए के थ्रू जब किसी व्यक्ति को या एनएसए के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी जो एफआईआर है वो राष्ट्रीय अपराध जो ब्यूरो है, रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसमें उसको दर्ज नहीं किया जाता, जिसके तहत जो है, जिसकी वजह से जो है उसको बहुत सारी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। इसलिए जो है एनएसए अपने आप में जो है एक अलग तरीके का अधिनियम है, एक कानून है, जिसके तहत जो है वो यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके लिए जो है वो कानून दूसरे तरीके से कार्रवाई करता है, कार्य करता है, सामान्य तरीके से जो है वो कार्रवाई या कानून जो है वो अप्लाई उसके ऊपर नहीं होते। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो एनएसए के ऊपर बन सकते हैं कि एनएसए जो है वो एनएसए और जो नॉर्मल जो कानून होते हैं कि हमारे देश में जिस तरीके से कानून बनाए गए हैं उन दोनों में क्या डिफरेंस है और किस तरीके से जो है ये दोनों कानून जो है वो एक दूसरे से अलग है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपसे इस टॉपिक में से आ सकते हैं। हम अगली न्यूज के ऊपर आते हैं। अगली न्यूज है हमारी नेशनल पोलियो सर्विलेंस नेटवर्क फॉर COVID-19। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि पहले जब ये नेशनल पोलियो सर्विलेंस नेटवर्क का जो प्रोजेक्ट जो हमने पहले चलाया था वो पोलियो के लिए चलाया था, लेकिन अब यही जो नेटवर्क का जो प्रोजेक्ट है हम COVID-19 के लिए भी चलाने वाले हैं, जिसकी घोषणा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की गई है। इसकी WHO ने भी काफी सराहना की है। हुआ ये था कि जब 1997 में नेशनल पोलियो सर्विलेंस प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया तो उस प्रोजेक्ट में जो है WHO प्लस भारत से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर शामिल हुई प्लस यूनिसेफ की सहायता से जब ये प्रोग्राम चलाया गया तो उनमें 100% लोगों को, मतलब देश के, हमारे देश के 100% लोगों को कवर किया गया, जिससे और टीकाकरण जो है वो किया गया। आप देखेंगे कि पोलियो में जब पोलियो की वैक्सीन जो है वो दी जाती थी तो प्रत्येक घर जाके सभी लोगों को 100% लोगों को कवर किया जाता था। हर घर जाया जाता था, गांव, शहर, ढाणी, उन गांव में जो है वो जहां पर पोलियो की दवाई पिला दी जाती थी वहां पर उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता था और जहां पर नहीं पिलाई जाती थी वहां पर क्रॉस का साइन लगाया जाता था और बहुत सारे लोग जो है वो इस निगरानी के क्षेत्र में जो है वो काम करते थे। तो इस तरीके से जो है इतने सारे प्रयासों के बाद भारत ने 2014 जो है भारत पोलियो से मुक्त घोषित हो गया। तो इस लेवल पर जब पोलियो के लिए हमने काम किया, पोलियो से बिल्कुल मुक्त घोषित हो गए, तो पूरी संभावना है कि जब एक डिटेल्ड मैनर में और पूरे डेडिकेशन के साथ COVID-19 से लड़ने के लिए जब इस तरीके से एक सर्विलेंस प्रोजेक्ट चलाएंगे और घर घर जाकर जो है वो निगरानी की जाएगी और जो है वो बहुत सारे जो जरूरी सावधानियां हैं जो बताई जाएंगी तो हम इससे भी मुक्ति पा लेंगे। तो इसी के लिए जो है भारत भी काम करने वाला है, जिसमें कि नेशनल जो है पोलियो सर्विलेंस फॉर COVID-19 जो प्रोजेक्ट जो है वो COVID-19 के लिए चलाया जाएगा ये प्रोजेक्ट। और इसमें WHO का फील्ड स्टाफ, ट्रेन पर्सनल जो है कर्मचारी हैं वो भी शामिल होंगे जिन्होंने पोलियो के दौरान, ट्यूबरक्लोसिस के दौरान काम किया है। और ये जो है भारत की तरफ से हमें पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है वो दोनों मिलके जो है एक तरीके से पूरे नेटवर्क के रूप में काम करेंगे ऑल ओवर इंडिया। और ये मुख्यतः लोगों की इम्यूनिटी, क्योंकि अभी इसकी वैक्सीन नहीं बनी है तो लोगों में इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए जिससे कि लोग जो हैं इस रोग की चपेट में ना आ पाए, तो पूरा जो नेटवर्क होगा उसके लिए काम करेगा प्लस पूरा डेटा लेगा लोगों का, उस डेटा को पूरा फीड करेगा और जो मतलब सेंटर है सेंटर को प्रोवाइड कराएगा। तो इस तरीके से ये जो COVID-19 की डिटेल निगरानी के लिए जो है ये जो नेशनल पोलियो सर्विलेंस नेटवर्क लाया गया है। तो यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन बन सकता है वो क्वेश्चन आपको NPS प्रोजेक्ट को लेकर बन सकता है कि ये कब लॉन्च हुआ, या फिर बन सकता है कि इसके अंतर्गत क्या क्या कार्य किए गए, या फिर ये कहा जा सकता है कि जो NPS
जो प्रोजेक्ट है वो COVID-19 के लिए जो शुरू किया जा रहा है वो किस किस के साथ मिलकर जो है वो शुरू किया जा रहा है, क्योंकि पहले में तो यूनिसेफ ने भी हमारा पूरा साथ दिया था फंडिंग इत्यादि में। अभी हम जो है वो इन्हीं WHO प्लस MOH मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ही अभी इसको चला रहे हैं। तो इसमें कौन कौन सी जो है वो संस्था काम कर रही है मिलकर, किस किस का कोलाब्रेशन है, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। बाकी का और जो क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है कि इस नेटवर्क के अंतर्गत जो है वो क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। जो मुख्य एम है इस नेटवर्क का वो यही है कि लोगों की इम्यूनिटी जो है वो डेवलप की जाए, लोगों में जो है वो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाई जाए जिससे कि वो COVID-19 से लड़ सके। क्योंकि जब तक इसकी वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक इसका जो मुख्य जो इलाज है, उपाय है, प्रिवेंशन है, वो यही है कि लोग जो है वो अपनी इम्यूनिटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। आइए अब हम आते हैं अपने अगले न्यूज़ के ऊपर। हमारी जो अगली न्यूज़ है वो खरीफ फसलें 2020 पर राष्ट्रीय सम्मेलन को लेकर है। ये सम्मेलन भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपन्न हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा की गई। हमें पता है कि जो डबल फार्मर्स इनकम समिति है उसने ये सुझाव दिया है कि कृषकों की आय को 2022 तक दोगुना किया जाए। तो इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो राष्ट्रीय सम्मेलन है वो आयोजित किया गया। हालांकि ये खरीफ की फसलों को लेकर, खरीफ की बुवाई को लेकर ज्यादा इंक्लाइन था। यहाँ पर इस जो ये जो सम्मेलन है उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि COVID-19 की वजह से जो पूरे देश भर में लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसकी वजह से सभी सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा हानि उठानी पड़ रही है, उस स्थिति में चूँकि हमारे देश की बहुत सारी जनता जो है वो प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है, और अब जब खरीफ की बुवाई जो है जुलाई से शुरू होने वाली है, उस स्थिति में खरीफ की बुवाई को लेकर राज्य किस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं और यदि कोई सरकार को आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है तो वो जो है वो क्या होंगी, उन्हीं को लेकर जो है ये सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यदि हम खरीफ की अगर भारत में फसलों की बात करते हैं तो हमें दो प्रकार के फसलों का जो स्ट्रक्चर है वो भारत में देखने को मिलता है। पहली होती है हमारी खरीफ की फसलें जिनको जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर तक इनको काट लिया जाता है, जैसे कि चावल, मक्का, ज्वार इत्यादि। इसी प्रकार से जो है रबी की फसलें होती हैं जो कि अक्टूबर से लेकर, यानी अक्टूबर में उनकी बुवाई शुरू होती है, मार्च में उनको काट लिया जाता है, जैसे कि सरसों, चना, गेहूं, मटर इत्यादि। इसके बाद जो मार्च से जुलाई के बीच का जो समय होता है उसमें जायद की फसलें जो है वो उगाई जाती हैं, जिनमें सब्जियां, फल फ्रूट्स इत्यादि होते हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं खरीफ की फसलों को हम बसंत ऋतु की फसलें और वहीं हम रबी की फसलों को जो है वो शरद ऋतु की फसलें कहते हैं। तो भारत में इस प्रकार का जो ढांचा है वो देखने को मिलता है। चूंकि अभी हमें पता है कि जुलाई आने वाला है तो जुलाई में खरीफ की फसलों की बुवाई शुरू होगी, तो उस स्थिति में जो है ये राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो मुख्य रूप से किया गया। यहाँ पर इस सम्मेलन में ये भी कहा गया कि 2020-21 में जो खाद्यान्न का लक्ष्य रहेगा वो 298 मिलियन टन रहेगा। इससे पहले जो लक्ष्य हमने खाद्यान्न लक्ष्य जो हमने रखा था, हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि हमने उस लक्ष्य को उससे अधिक प्राप्त किया है। यानी जो 2019-20 में लक्ष्य रखा गया था खाद्यान्न लक्ष्य वो 291.10 बिलियन टन रखा गया था, लेकिन हमने वास्तविक रूप से इसकी प्राप्ति की 292 मिलियन टन, जो कि PIB की साइट में जो है वो बताया गया है। यहाँ पर इस सम्मेलन में ये भी कहा गया कि भारत जो है वो सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है विश्व में। यानी कि भारत जो है वो खाद्यान्न अतिशेष की स्थिति में पहुँच चुका है। तो ये हमारे लिए सच में जो है वो खाद्यान्न या कृषि क्षेत्र के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। अब जब रबी की फसल जो है वो मार्च में कटकर आ गई, उन्हें मंडियों तक पहुंचाना है और लॉकडाउन लगा हुआ है, इस स्थिति में कृषकों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो उसी को ध्यान में रखकर जो है वो गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय कृषि ट्रांसपोर्ट कॉल सेंटर की शुरुआत भी जो है वो की इस सम्मेलन के अंतर्गत। यहाँ पर इस सम्मेलन में ये भी कहा गया कि ई नाम को बढ़ावा दिया जाए। ई नाम मतलब इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिसके बारे में हम अपनी पहली वीडियो में भी बात कर चुके हैं, तो आप कृपया करके हमारे जो चैनल है उस पर जो वीडियोस दी हुई हैं उनको रेगुलरली देखें।
हम थोड़ा सा इसको बताते हैं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फार्मर्स बायर्स और ट्रेडर्स को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है ये ई नाम जो है वो प्रोवाइड कराता है, जहाँ पर कि कृषक अपनी जो वस्तुएं हैं अपने जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उनको बेहतर से बेहतर दामों पर बेच सकते हैं और जो बायर्स हैं वो अच्छी से अच्छी जो वस्तु है वो इस प्लेटफॉर्म से प्राप्त कर सकते हैं। इसका जो नारा है वो यही है कि वन नेशन वन मार्केट। उसके साथ साथ इस सम्मेलन में जो है वो पीएम फसल बीमा योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को बढ़ावा देने की बात भी की गई। तो हम थोड़ा इन योजनाओं के बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि जब आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में योजनाओं से लेकर प्रश्न जो है वो जरूर पूछे जाते हैं। तो एक एक करके हम कोशिश करेंगे कि अपनी हर सीरीज में जो है वो योजनाओं को कवर करें। चूंकि ये योजना जो है कृषि से संबंधित है तो हम योजनाओं को यहीं पर जो है वो देख रहे हैं। हमारी पहली योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना की शुरुआत 2016 में की गई और जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि योजना जो है वो क्या करती है, बीमा कवर करती है फसल नष्ट होने पर, यानी कोई भी ऐसी आपदा आ जाए जिसकी वजह से कृषक की जो फसल है वो नष्ट हो जाए उस स्थिति में जो है व्यापक बीमा कवर जो है इस बीमा योजना के तहत दिया जाता है। यहाँ पर खाद्यान्न तिलहन वाणिज्यिक बागवानी सभी प्रकार की जो फसलें हैं इसमें शामिल की गई हैं। इसमें जो प्रीमियम जो देना होता है कृषक को रबी की फसलों के लिए 1.5%, खरीफ की फसलों के लिए 2% और वाणिज्य और बागवानी फसलों के लिए 5% देना होता है। यहाँ पर ये बात भी मुख्य रूप से सराहनीय है कि यदि कोई खड़ी हुई फसल नष्ट हो जाए या फिर बुवाई से पूर्व जो है खेतों को नुकसान पहुँचे या फिर कटाई के 14 दिनों तक यदि जो है फसल को नुकसान पहुंचता है तो उस फसल का बीमा भी है जो इस योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा। इसके साथ साथ इसमें सबसे अच्छी बात है वो ये है कि जैसे ही कृषक के द्वारा फसल बीमा योजना के तहत कोई दावा किया जाता है तो 25% जो राशि है उसका भुगतान जो है ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा, वो भी तुरंत किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि किसानों की आय को स्थिर किया जा सके जिससे कि अपने होने वाले नुकसान से वो बच सके। इसी के साथ साथ हमारी दूसरी योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इस योजना की शुरुआत 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ से की गई जो कि गंगानगर में है। इसकी थीम है स्वस्थ धरा और खेत हरा, स्वस्थ धरा खेत हरा। जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि ये मृदा के स्वास्थ्य की बात करती है, यानी किसी भी मिट्टी को कितने उर्वरकों की और किस प्रकार के उर्वरकों की आवश्यकता है उसकी जो उसका जो पता है इस योजना के तहत लगाया जाता है, जिसमें कि किसानों को एक कार्ड दिया जाता है कि उनकी जो मिट्टी है उसमें इन उर्वरक को डाला जाए तो इस प्रकार का जो उत्पादन है वो प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर जो है वो यही है कि किसान जो है वो उर्वरकों का विवेकपूर्ण चयन कर सके और मृदा की स्थिति का जो है वो अच्छे से आकलन कर सके, जिसके लिए जो मृदा की जो उर्वरा शक्ति है उसको बढ़ाया जा सके और अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक धारणा बनी हुई होती है कि जो किसान है वो नाइट्रोजन का लगातार बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से नाइट्रेट की मात्रा मृदा में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि पर्यावरणीय कारणों से भी जो है पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। उस स्थिति में जो है वो कृषक की मृदा की जो उर्वरा शक्ति है वो भी कम हो जाती है। तो यहाँ पर जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड के जरिए जो है वो किसानों को उनकी मृदा का उनकी मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में बताया जाएगा और कहा जाएगा कि उनको किस प्रकार के मल्टी विटामिन प्रोटीन्स इत्यादि यानी किस प्रकार के जो उर्वरक हैं वो देने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हमने जो है वो दो योजनाओं को देखा। उसके साथ साथ जो हमारे जो थी न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी राष्ट्रीय सम्मेलन था उसको देखा। अब हम आते हैं अपनी अगली न्यूज़ के ऊपर, हम आते हैं अपने मैपिंग के सेगमेंट के ऊपर। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है बे ऑफ बंगाल को लेकर। बे ऑफ बंगाल जो है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है और ये हिंद महासागर के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। इसकी यदि हम ट्रिक की बात करें, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि बंगाल की खाड़ी जो है वो निम्न में से किसके साथ सीमा लगाती है या सीमा नहीं लगाती, तो हमें पता होना चाहिए कि बे ऑफ बंगाल की जो सीमाएं हैं वो चार देशों के साथ लगती हैं,
जिसमें से जिसको याद रखने की ट्रिक है, वे और बंगाल का भी MIS सिस्टम है, यानी बंगाल की खाड़ी का भी क्या है, MIS सिस्टम है। बी मतलब बांग्लादेश, एम मतलब म्यांमार, आई मतलब इंडिया और एस मतलब श्रीलंका, यानी चार देशों के साथ ये सीमाएं लगा रही है। इसके साथ साथ ये इंडिया के द्वीप समूह है अंडमान निकोबार, उसके साथ भी सीमा लगाती है। मुझे बहुत खुशी है कि आप हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इसी प्रकार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, इस वीडियो के जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के नीचे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्रोवाइड कराएं। और ये भी बहुत अच्छी खुशी की बात है कि आप जितने भी क्वेश्चंस का जवाब आप देते हैं, लगभग काफ़ी सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है हमें सही मिलता है। इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि करंट कॉमिक्स के नाम से है। इसके साथ साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं जो अगेन करंट कॉमिक्स के नाम से है। आप इसी तरीके से हमारे चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।